हमारे साथ आलू आरती सुभाष सुभाष ट्रेडिंग कंपनी के ओनर सुभाष भैया हैं और ये हैं आलू व्यापारी। कहाँ के भैया? खेरागढ़। आप आलू व्यापारी हैं? कहाँ से आते हो? खेरागढ़ आगरा से आए हो आप। तो भैया सबसे पहले ये बताओ, आज जो है मंडी में आमदनी कितनी है? आज मंडी में आमदनी थोड़ी कम रही है। आज हमें लग रहा भाव में गिरावट आई थी इसलिए कम हो गई आमदनी। आइए किसान भाई, इधर आ जाओ। तो अभी क्या क्या भाव में आलू आप क्या बेचे? 400-451 रुपया यही बेचे हैं और 321 रुपया भी है मीडियम। मतलब मीडियम में 321 और ऊपर में 350-400 और ऊपर में 481 रुपये प्रति कट्टा सफेद आलू। हाँ सफेद आलू। मतलब कल हमें लग रहा है भाव में नहीं बिका था। कल नहीं। आज बाजार टाइट है कुछ? 400 रुपये तक बिका था। आज बाजार कुछ टाइट लग रहा ना? अच्छा, आप किसान हो? सामने आओ आप। तो कहाँ से आते हो? आज मैं 481 रुपया ऊंचे में जाके 3 रुपया। सरैया से? यहीं से, प्रेमपुर से। अच्छा, बिशुनगढ़ साइड से आए हो? सहारनपुर से आ गए। तो क्या रेट आलू बेचा आपका? हमारा बिचो 391 रुपये। 391? क्या कुछ क्वालिटी का निबल था? हां। कौन था? था कौन सा आलू था? मंडवल। कुछ मतलब रोग वगैरह था उसमें? सब हाइब्रिड में। अच्छा अच्छा, आप बताओ दादा, 350 से लेके 481 रुपए आज बिचा है? इन्हें खुद लिया है? अच्छा, आपने खुद लिया है। अच्छा अच्छा, कई गाड़ी बनाते हो रोज? एक दो बना देते हैं। अच्छा, एक दो। आज बाजार कुछ टाइट है लगभग कितना रुपए टाइट समझे? आज 100 रुपए टाइट है। 100 रुपए टाइट? ओहो, तो कल बाजार और टाइट होंगी सुबह। बाहर की मंडियां जितनी है गाड़ी लगी आपकी? तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आलू की बिक्री वगैरह हो रही है और ये मंडी जो है रात में लगती है और यहाँ पे जो है सीधा आलू की बिक्री होती जाती है और गाड़ी जो है सीधा लोडिंग होती जाती है। ये वाला क्या रेट बेचा था? कौन सा वाला? ये वाला, ये बिका है 391 रुपए का। एक मिनट में इसको दिखा रहा हूँ। ये वाला आलू जो है 391 में, 481 वाला नहीं देखने को मिलेगा? 481 वाला है, दिखा दो। नहीं, ये 391 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिका हुआ है। 481 वाला। और ये वाला पड़ा वो, ये नहीं बिका? ये सब बिके हैं 411। अच्छा, ये 411 रुपए में बिका है ये वाला, देखो 411। और क्या वो कहाँ गया? 81 वाला कहाँ है? 481 वाला। सबसे पहले तो भैया आप लोग भर्ती देखो, भर्ती जो है बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल बढ़िया फ्रेश छट्टा माल है, एकदम सुपर वीआईपी स्ट्रा है ना ये। सुपर माल है ये, 481 रुपए में भैया बिका हुआ है। इससे भी ऊपर कोई मंडी में बेचे है? यही कोई नहीं बिका, इससे ऊपर कोई नहीं बिका। और ये आलू जो है आपको ये भी बता देते हैं कि ये आलू जो है कहाँ पे बिका हुआ है। ये आप सुभाष ट्रेनिंग कंपनी पे बिका हुआ था 481 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से। बहुत दिन आए थे तुम? हाँ हाँ हाँ, ये है सुभाष यादव ट्रेनिंग कंपनी नबीगंज। कहाँ बना बताओ? अच्छा अच्छा अच्छा। हाल में क्या है, आज नबीगंज की मंडी में अचानक सभी जगह सभी मंडियों में आलू के भाव में गिरावट आई थी, उसी वजह से किसान भाइयों ने आलू की खुदाई को जहां तक रोक पाया। हालांकि खुदाई जो है रुक नहीं, मतलब कि बंद नहीं हो पा रही है क्योंकि किसान भाइयों को गेहूं की बुवाई करनी है। इसी को लेकर के किसान भाइयों ने फिर भी 2-4 दिन के लिए आलू की खुदाई रोक दी है और नबीगंज की मंडी में जो आवक हो रही थी वो आवक थोड़ी कम हो गई है। और आज नबीगंज की मंडी में लगभग 50 से लेकर और 70-80 रुपए तक का उछाल देखा गया है। कल नबीगंज की मंडी में 350 से लेकर 411 रुपए प्रति कट्टा तक आलू की बिक्री देखी गई थी, लेकिन आज नबीगंज की मंडी में 350 से लेकर और 481 रुपए प्रति कट्टा तक आलू की बिक्री हुई है। हालांकि जो 400-425-30 के ऊपर बिक्री हुई है वो एक आध जगह कम हुई है, मतलब कि एक आधी जगह हुई है कम लाटों की हुई है, लेकिन जो सुपर वीआईपी एक्स्ट्रा आलू है उनकी कीमत जो है 430-40-50 और ज्यादा अच्छा है तो 481 रुपए तक अभी मेरे सामने आलू की बिक्री हो चुकी है। अब आप लोग शायद वीडियो को सुबह देख रहे होंगे, तो आज जो है संडे है, इसलिए क्या होता है संडे को कहीं की मंडियां बंद रहती हैं, इसीलिए आलू का जो आवक भी कम हो गया है, किसानों ने खुदाई कम कर दी है और अभी इसीलिए आलू की थोड़ी डिमांड बढ़ गई है, आवक कम हो गई तो आलू का दाम थोड़ा सा बढ़ गया है। और आज फरखाबाद और कानपुर का, कानपुर की मंडी इतवार के दिन बंद रहती है और फरखाबाद की मंडी खुलती है और छिबरा मंडी भी खुलती है। तो आज छिबरा और फरखाबाद का क्या भाव रहा मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने का कोशिश करूँगा।
तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय